हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग राधा चिलवाल फ्रॉम उत्तराखंड अल्मोड़ा से। तो आज की दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी और घर का पूरा काम फिनिश करके मैं और तनुज आ गए हैं धान लेने, जो कि मम्मी ने काट दिए हैं। मटियाऊ हो गए हैं तो धान खाली बंदरों के खाने से अच्छा और सुअर के खाने के अच्छा तो हम लेके आ जाए। तो तभी ज्यादा है तो तनुज को भी ले जा रही हूँ। क्यों जी? वो छिपकली था, मैं डर गई लेकिन। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए, अभी फोन चलाना खतरे से खाली नहीं है। बाबरे, फिर कुंडी लगा दे। तो हम चले गए हैं ऊपर, खेतों में जाना है हमें। मम्मी वहां पहले ही गई है, हमें लेके आने हैं आज धान। आज मम्मी एक खेत से धान काट रही है तो उनको लेके आते हैं। यहाँ पे तिरपाल भी बिछा दिया है तो इस पे लाके रखेंगे। और घर में अब पुसु रहेगा बस, हमारी बिल्ली घर में रहेगी। और हम चले गए हैं घर से सीधे मटियाऊ। आपको भी दिखाता हूँ मैं धान। इस बार तो ज्यादा बढ़िया नहीं हुए हैं धान, अच्छे नहीं हुए कहने का मतलब, तो फिर भी लेके तो आना ही है जो भी हो रखे हैं। चलो आओ, राधा और मैं जा रहे हैं अभी। ये हम लोग चल दिए हैं धान लेने, क्योंकि कहाँ से पूछो तो फार्म करिएगा। मीन नो नो, मम्मी ने काट दिए होंगे तो लेके आते हैं। अब फिर घर आके बनाएंगे हम लोग खाना, मम्मी भी आ जाएंगे और तनुज भी आ रहे हैं आज, क्योंकि बहुत सारे धान है तो हम दोनों लेके नहीं आ पाएंगे। क्या करो, ये मलबोखई भी सुनसान है क्योंकि सब खेतों में गए हैं काम करने के लिए, तो अभी घर में रहता कोई नहीं है और बच्चे गए हैं स्कूल। ये देखो शांत शांत सब। माल्टे भी होने लग गए हैं। ये पहुंच गए हम मटियाऊ, यहाँ से ले जाने हमें धान। ये देखो, ये अभी तो हुए नहीं है पर दो चार दिन के बाद ये भी हो जाएंगे, इनको भी काटेंगे। चलो चलते हैं अपने खेतों में। ये है चुपड़ा गांव, एक बार आप चुपड़ा गांव के भी दर्शन कर लो। कुछ सब्सक्राइबर मेरे चुपड़ा गांव के भी हैं, किसी का मैथ है, किसी का सौराष्ट्र है, किसी का घर है, किसी का प्रदेश है, तो सब लोग। ये है चुपड़ा गांव, ये चुपड़ा गांव के खेत। और ये है पता नहीं क्या क्या खेल करती हैं बच्चे वाले। स्कूल में प्रार्थना होने में और प्रार्थना फील्ड में अच्छा है रोने को, वो प्रार्थना करने का इन्हें को भी दे। ये देखो, ये पहुंच गए हम, यहाँ से ले जाने हमें धान। ये जो भी अरहर की दाल हो रखी है, बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं जो,
ये देखिए धान, पहाड़ी लाल चावल यही होते हैं, इनको कूट के उखल में फिर चावल बनाए जाएंगे। ये ऐसा हाल रखा है धानों का देखिए, और ऊपर से इसको सुअर और चूहा खा जा रहा है। ये काट दिए हमने पूरे खेत के, ये अरहर की दाल। ये तुम्हारे वाला नहीं, ये वाला नहीं है ये आधा दिन पे, ये तो मस अरे ये तो झाल में कहीं नहीं बना है, ये तो हाल ना काट दी मैंने आज, यहाँ मम्मी ने हाथ भी काट रखा है अपना। हाँ बहुत ले दी रुपए थे कोला आठ होने आज मैं सारे लाई को जहाँ हाथ देखा, ये देखो इतना काट रखा है। ठीक है ठीक है ओए रुक जा, हम तो आ गया मैंने रो ये तो इधर से मार से दूर ये वो घटी लगन है बाप सही कहा मेरा ना ले मलरी सही आई तो झुमोर से नहीं अरहर धान धान अरहर किले हो धाऊ ले गया तो धान की गुड़ी थाने का गुटाई घरे ही जानचे कुनी वड़ा वो ना दाने गुटाई घरे जानी हरी कुनी वड़ा वो ना अलवे कुनी वड़ी दाना ना तो ना कुनी वड़ी आधा रही लगो इन वालवे को तो मशा दाना कुनी वड़ा लगी चा अब इन्हों को ने घरा मारो ना अब हल्लो जा जा तू ले जा काटी फिर इन खार में धरी अब इन्हें मराल घर जाए ना आल धान ये रीना इधर से दीवाना मैं गौर से ये मैं भले हरी आई दीवाना मैं गाड़ में कई कई गाड़न में भले हरी नहीं कई कई गाड़न में कुरमुअल माफे रेली काम पड़ गया ने धान बाल भले रही ने काम सुगी जो बाल से भले रही से अरे अरे कला लगो न बो अरे अरे की छाप हरे छापी गाड़ अरे अरे ला छापी ओ लीजो मार खाल में तुम्हार धान मारने बुझ नहीं भाव कुनी होती घर ही नहीं जाओ घुड़े घर मना ला भले धाना आलवे घर ही नहीं बा यार वर्ष ले आ गया घुड़े लेने वाले ये ले आए धान अब इनकी कुनोटी यहीं बनेगी सीधे मारेंगे इनको अब राधा भी लिया
मम्मी भी ले आई। धान चूरने भी लग गए, मन थेगी धान कोई कोई आगे रोनी है तो चन्नी रे भाई इन्हें तो भिड़ गए ना उनको। हाँ मैंने ऐसा इरादा कर लिया। कुछ बुत कर, कुछ बुत कर, दूध लीजिए आप। इसको दो तीन बार नहीं देते ना ताकि चूहे मारेगा करके। ये जान ये देखिए निकल गए धान हमारे, इतने ही हुए हैं सब निकल गए। हम लोग कितने धान लेके आए, कितने हुए देखो। तुम इस लेके आ रहे हैं हम दूध। मम्मी ने इतना सारा घास बना के रखा था तो मैं अभी आ रही हूँ घर से, इसको अब ले जाएंगे। ये देखो टिपो, ये देखो आगे एक इकट्ठा मैंने रख दिया सर पे, एक मम्मी लेके आ रहे हैं। अब चलते हैं घर के, यहाँ को बहुत ही मच्छर हो रखे हैं यहाँ तो आज। पुशुपे फिर मारा दूध त्याग लो। क्या पुशुआ लगी नहीं लगना, पुशु मेरा मारा खा दी ना कभी। दोनों की लड़ाई होगी इधर। पुशु सोच रहा है मेरे हिस्से का भी खा रहा है, वो देखो अपन अपन बाहर चाड़नी। अब आधे किलो दूध में कौन कौन जो खाए। पुशु है, पाची है, पानी मिला तब तनुज है, राधा है। आधे लीटर आधे किलो दूध में एक किलो पानी मिला। आधे किलो दूध में एक किलो पानी मिलाना पड़ता है। पुशु को चाटने दे खा लो। अब यो देखो पठिया भी जानते हैं मुझे किसके पास जाना है। मिशीर खान है ओ जो लड़को। किसको खाती हो?